टिश्यू के ऊपर जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और ये जितने क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो सब क्या है कि ये सब बहुत सारे एग्जाम वगैरह में आ चुके हैं, और जैसे कि 5 साल पहले मतलब 5 ईयर्स वाले भी और 2-3 ईयर्स वाले भी, इस तरह के क्वेश्चंस जो अल्टरनेट करके आते रहे हैं, तो उन सब में से मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैं वो सब लेके आई हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जो स्टडी मटेरियल है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, तो जो आप अच्छे से स्टडी करिएगा तो मुझे लगता है कि और भी अच्छे से आपको बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस के आंसर मिलते जाएंगे। फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, आप इसको भी स्टडी करिए, इनमें से भी एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम टिश्यू के ऊपर जितने क्वेश्चंस मैंने किए हैं वो सब। और एक बात और कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी है, तो ऐसा ना समझा जाए कि आप सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगी ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए सुविधा हो। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है कि नेम द टिश्यू प्रेजेंट इन द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट्स लाइक पीथ एंड कॉर्टेक्स। पीथ, पीथ क्या होता है कि जो पौधों का जो, जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही हूँ, जैसे ये पौधा है, ठीक है, ये इस तरह से, तो ये जो कॉर्टेक्स है ये वाला हिस्सा है, और जो पीथ है वो ये वाला हिस्सा है। ठीक है, इसको पीथ बोलते हैं और इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो कहा जा रहा है कि पीथ और कॉर्टेक्स ऐसा कौन सा ऐसा भाग है जो टिश्यू, कौन सा ऐसा नेम उस टिश्यू का नाम बताइए जो सॉफ्ट पार्ट में रहता है लाइक पीथ और कॉर्टेक्स में। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो है पैरेन्काइमा। ठीक है, आप लोग के बुक में हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी दिया गया है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे तो आपको इंग्लिश का भी ज्ञान होगा। ठीक है, इसलिए मैंने आंसर इंग्लिश में लिखा है, पर आपको, मुझे लगता है कि आप लोग को अच्छे से आता है इंग्लिश भी। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन है कि वेयर इज एपिकल मेरिस्टमेटिक, मेरिस्टमेटिक फाउंड होता है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू होता है प्रविभाजी ऊतक, वो कहाँ पाया जाता है यानी कि अग्रस्थ प्रविभाजी ऊतक इसको कहा जाता है। एट द टिप्स ऑफ मेन स्टीम, स्टीम के मेन यानी जो तना होता है उसके मेन में, मुख्य स्टीम के टिप्स में, मेन रूट में और देयर ब्रांचेज में पाया जाता है। ठीक है, स्टेट वन फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा का एक फंक्शन बताइए। तो पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है, उसका कार्य क्या हो सकता है, स्टोरेज ऑफ फूड यानी कि भोजन को एकत्रित करना, इकट्ठा करना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम का क्या कार्य हो सकता है। तो जाइलम का कार्य क्या होता है, इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, इट ऑल्सो नोन एज वुड। आपसे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा भी जाए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है। और फ्लोएम का काम क्या है, इट कंडक्ट्स फूड मटेरियल एज नोन एज बास्ट। ठीक है, व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू क्या है, ऊतक क्या है, तो ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म्स और हेल्प टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, कॉमन फंक्शन जो परफॉर्म करता है एंड हैव कॉमन ओरिजिन इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, टिश्यू इनको कहा जाता है। उसके बाद का क्वेश्चन है कि स्टेट द फंक्शन ऑफ एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट। ठीक है, इसका फंक्शन बताइए एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट का, जो रूट के ऊपर जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनका कार्य क्या हो सकता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉयल, मिट्टी से पानी और खनिज लवण को इकट्ठा करना। नेम द टिश्यू प्रेजेंट अंडर द स्किन इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स। ठीक है, तो एक टिश्यू का नाम बताइए जो स्किन के स्किन के अंडर द स्किन, स्किन के नीचे होता है और पिक लेयर में होता है, उसको हम लोग कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, व्हाट आर द पोर्स प्रेजेंट इन लीफ एपिडर्मस सेल, एपिडर्मस सेल के लीव्स में जो पोर्स पाए जाते हैं, जो छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है, उपकला ऊतक बोलते हैं ना, तो वो उनको क्या कहा जाता है। द पोर्स फाउंड इन द लीफ एपिडर्मिस आर एस्टोमेटा, एस्टोमेटा का काम क्या होता है, एस्टोमेटा का काम होता है श्वसन करना। ठीक है, व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, व्हाई इज ब्लड कंसीडर्ड ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, टू कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड क्या हो सकते हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। ठीक है, ब्लड उनको खून यानी रक्त के दो अवयव, नाम अवयव का नाम बताइए। ठीक है, सही आंसर हिंदी ये होगा, व्हाई ब्लड इज कंसीडर्ड ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड को या रक्त को तरल संयोजी ऊतक में क्यों शामिल किया गया, तो वो इसलिए, पहले तो दो कंपोनेंट क्या हो सकते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल है। ठीक है, और रक्त को इसलिए कंसीडर किया गया बिकॉज एडिस कंटेंट्स सस्पेंडेड इन अ फ्लूड, फ्लूड मैट्रिक्स होते हैं और ये कनेक्ट क्या होते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कनेक्ट होते हैं, रिसीविंग भी करते हैं और उनको प्रोवाइड भी करते हैं मटेरियल्स एवरीवेयर।
ठीक है, जैसे हम क्या जानते हैं, ऑक्सीजन को लेना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को उधर से ले आना, तो ये सब जो कनेक्शन जो होता है, इसीलिए ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू का नाम दिया गया, यानी कि वन फंक्शन। नेम द कनेक्टिव टिश्यू, एक कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक का नाम बताइए, विच हेल्प्स इन द, सॉरी यहाँ इज लिखा मैंने, इज हेल्प इन द रिपेयर ऑफ टिश्यू, जो टिश्यू के रिपेयर में काम करता है, उत्तक की रिपेयर में काम करता है, एंड वेयर दिस टिश्यू इज फाउंड, कहाँ पाया जाता है, और इसका एक कार्य भी बताइए। तो एरियोलर टिश्यू, और ये कहाँ पाया जाता है, इनसाइड ऑर्गन, अंगों के भीतर, अराउंड ब्लड वेसल्स के आसपास, मसल्स एंड नर्वस बिलो स्किन, ठीक है। और इसका कार्य क्या हो सकता है, फिलिंग करना, पैकिंग करना एंड कवरिंग ऑर्गन्स, ऑर्गन को कवर करना, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन है कि नेम द सिंपल परमानेंट टिश्यू, अस्थाई उत्तक का नाम बताइए, सरल अस्थाई उत्तक का नाम बताइए, विच फॉर्म्स द बेसिक पैकिंग टिश्यूज एंड प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स, प्लांट्स के लचीलेपन में कौन सा टिश्यू का नाम, कौन सा टिश्यू है उसका नाम बताइए। तो पैरेन्काइमा है और पोलेन्काइमा है, मृदु उत्तक और स्थूल उत्तक होता है ना, वही है। तो जस्टिफाई द ब्लड इज अ टिश्यू, आप विवरण दीजिए या निरूपण कीजिए या प्रमाणित कीजिए कि जो रक्त है वो एक प्रकार का टिश्यू है, उत्तक है। तो ब्लड में ऐसा क्या है जिसको उत्तक का नाम दिया गया, क्योंकि ब्लड इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, एंड सेल्स, मैट्रिक्स और सेल्स से मिलके बना हुआ है, दैट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो कि क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, विथ ऑल द कॉन्टेंट सेल्स डिराइव फ्रॉम बोन मैरो, बोन मैरो से जो कॉन्टेंट जो सेल होते हैं वहां से ये अपना काम करता है। आइडेंटिफाई द टिश्यू प्रेजेंट ओवर आईलिड, आईलिड के ऊपर कौन सा टिश्यू पाया जाता है, कौन सा टिश्यू पाया जाता है, सॉरी। तो उसका आंसर होगा, और नेम द टिश्यू दैट कैरिज सिग्नल फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू ब्रेन, ठीक है, बॉडी से जो वेरियस पार्ट ऑफ द ब्रेन से सिग्नल जो कैरिज करता है उनका नाम बताइए। दो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, तो जो फर्स्ट वाला का है कि आईलिड के ऊपर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो एस्टेरिटिफाइड एस्क्यूमस एपिथेलियम ओवर आउटर सर्विस, ऊपर ओवर आउटर सर्विस में पाया जाता है, ठीक है, आईलिड के ऊपर। उसके बाद है क्या, जो सेकंड का क्वेश्चन है कि नेम द टिश्यू दैट कैरी सिग्नल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू ब्रेन, तो नर्वस टिश्यू है मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, नर्वस टिश्यू है जो कि न्यूरॉन से बना हुआ होता है। नेम द टिश्यूज दैट कनेक्ट्स मसल्स टू बोन इन ह्यूमन, ह्यूमंस के नेम दो टिश्यू का नाम बताइए, जो कि एक नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कनेक्ट्स मसल टू बोन इन ह्यूमंस, जो मसल से बोन कनेक्ट्स मसल से बोन में, ह्यूमंस की में बोन से मसल में कौन सा कनेक्ट करता है, और फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ अल्वुलाई, ठीक है, जो अल्वुलाई के भीतर इनर जो लाइनिंग होता है उसका बनाता है, उस टिश्यू का नाम बताइए। और स्टोर फैट इन आवर बॉडी, स्टोर्स फैट, हमारे बॉडी में जो स्टोर करता है वो, उस टिश्यू का नाम बताइए जो फैट को स्टोर करता है, सॉरी जो फैट को स्टोर करता है वो हमारे बॉडी में जो है वो, उसका नाम बताइए। तो जो ए नंबर का आंसर होगा कि कनेक्ट्स मसल टू बोन इन ह्यूमंस, टेंडन जिसको कहते हैं। बी नंबर का होगा कि फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ अल्वुलाई, उसका होगा एस्क्यूमस एपिथेलियम। और जो सी नंबर का होगा कि स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। उसके बाद है नेम द कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स टू बोन्स, एक कनेक्टिव टिश्यू का नाम बताइए संयोजी उत्तक का, जो दो अस्थियों को जोड़ता है, ठीक है, विच कनेक्ट्स टू बोन्स। और दूसरा क्वेश्चन है कि नेम द कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट इन एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, एक्सटर्नल जो बाहरी जो कान होते हैं ना उनके बाहर, उनके बाहर कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है, यानी संयोजी उत्तक कौन सा होता है। तो जो फर्स्ट का आंसर होगा लिगामेंट, ठीक है, जो कि विच कनेक्ट्स टू बोन्स को कनेक्ट करता है, और सेकेंड का होगा कार्टिलेज, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन है कि नेम द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, नेम द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, सिंगल लॉन्ग पार्ट विच अराइजेस फ्रॉम सेल, सेल बोन, ठीक है, और नेम टू इनवॉलंटरी मसल्स। तो जो फर्स्ट का होगा वो है एक्सॉन, और दूसरा होगा स्मूथ मसल, जो टू इनवॉलंटरी मसल्स हैं वो स्मूथ मसल है और कार्डिक मसल है,
ठीक है। तो इस तरह से मैंने इतना क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आई हूँ, और भी बहुत क्वेश्चन बनेंगे, बहुत क्वेश्चन निकलेंगे टिश्यूज के ऊपर, सेल्स के ऊपर, और पूरे चैप्टर के ऊपर भी। तो आप ध्यान से पढ़िए, कुछ भी घबराने की बात नहीं है, जितना पढ़ेंगे उतना ही मजा भी आएगा और अच्छे से ज्ञान भी होता आएगा, और ये जो ज्ञान है वो हमारे फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। तो बस रटना नहीं है, बस अपने आसपास ही ढूंढिए, हमारे शरीर के भीतर, हमारे आसपास में, पेड़ पौधों में, जितना भी टिश्यूज के ऊपर है वो सब आपको मिल जाएगा, और बस उसको थोड़ा सा रिपीट करिए, बस याद होते जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक।